करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है, और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए, वो संभव नहीं है। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने हैं। सरकार का ये भाषण सुना तो आशियाने की आस ने हिम्मत दी, टूटते ख्वाबों को फिर से पंख लग गए। दिल बाग बाग हो गया कि अब तो बरसाती की छान छप्पर वाली छत पर भी बरसात होगी। सरकार की मेहरबानी होगी तो अपना आशियाना होगा, घर आंगन होगा, मगर टूटती सांसों पर सरकार का ये वायदा भी पैबंद न लगा सका और ठिठुरती रात ने बरसाती को बेमौत मार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी के प्रदेश में ठंड से मरने वाले शाहजहांपुर के बरसाती लाल मिश्रा की, जो एक अदद छत की चाह लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर सरकार की नजरें इस पर इनायत नहीं हुई। हाँ, मरने के बाद सरकार के सिपहसालार चौकट तक जरूर पहुंचे, मगर कफन डालने नहीं, बल्कि अपनी लापरवाही को रस्म अदायगी की कब्र में दफनाने, क्योंकि वो साहब जो ठहरे, रिपोर्ट बनानी है ठंड से मरने की नहीं, बीमारी से हुई मौत की, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है। खबर मिली थी कि वो एक्सपायर हो गया, मौके पर तत्काल पहुंचने के लिए ज्ञात हो कि लगभग एक वर्ष 65 साल की उम्र के थे, बीमारी से भी ग्रस्त थे, यद्यपि सर्दी भी थी, किंतु आर्थिक मदद के रूप में तत्काल अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन सहयोग से ग्रामवासियों का भी सहयोग लिया गया। उसके साथ ही उनको अंत्योदय में वो पात्र थे, उनको राशन भी प्राप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका आवास भी सूची में चयनित है। खंड विकास अधिकारी इस समय वही गाँव में मौके पर है। तो सुना आपने, साहिब कह रहे हैं बरसाती लाल बीमार थे, 2-4 महीने से नहीं बल्कि 1 साल से बीमार थे। अंतिम संस्कार के लिए साहिब ने ग्रामीणों की मदद से पैसे का भी जुगाड़ कर दिया, और यही नहीं, साहिब ने साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया कि उन्हें राशन भी प्राप्त हो रहा था और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास सूची में चयनित भी है। मगर साहिब, अब क्या फायदा, जंग खाई सरकारी मशीनरी और सरकार के वायदों की तामील की हकीकत ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि बरसाती की मौत का कारण आप चाहे कागज पर कुछ भी लिख दें, मगर सच ये है कि बरसाती की मौत लापरवाह सिस्टम और भ्रष्ट तंत्र की वजह से ठंड में हुई है। जिससे जी बच्चा पले पली ही और ठंडी वजह खत्म हो गया बेचारे जी, उनके तो कुछ है ही नहीं, बहुत कमजोर थे, बहुत मार पटेगा, जो कुछ कर नहीं पाते, भीख मांग बेचारे बच्चे पाल पोषण कर रहे हैं। कोई सरकारी मदद के लिए कोई मदद ना, किसी प्रकार की मदद ना देगी सरकार, जो सरकार आवाज़ दे रही सब कुछ ना, आवाज़ ना, लैटरिन कोई चीज़ ना इनके पास। गांव के कोटेदार और प्रधान मदद करते हैं, अंत्योदय कार्ड है इनके पास, अंत्योदय कार्ड है और कोई मदद ना इनकी। शर्म को शर्मिंदा करने वाले इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए बरसाती लाल की हाथ जोड़े बैठी इस विधवा तारा को, जो शायद पति की मौत से ज्यादा इस बात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है कि अब उनका क्या होगा। साहब भी अब भले ही बड़े बड़े दावे कर लें, बड़े बड़े वायदे कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इस परिवार का ना तो पहले ही कोई था और ना ही बरसाती लाल के बाद अब कोई है। भैया नहीं तो लमाइसो कोई नहीं, जो हमारी बनती करे हमारे छोटे छोटे बच्चे। सरकार कोई सरकारी आवास कोई कुछ कुछ हमारे सुनवाही नहीं, कोई मदद हुई सरकारी कोई नहीं, तो कैसे जिंदगी काटोगे? अरे नन्ने नन्ने बच्चा न कैसे न पाती।
दरअसल जिले के बरमूला अर्जुनपुर गांव में रहने वाले बरसाती लाल मिश्रा की ठंड की वजह से 3 दिन पहले मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो ठंड से हुई मौत की वजह कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि साहब गांव में आए तो कई बार मगर इनके तरफ किसी ने झांक कर नहीं देखा। लेटरिन भी नहीं है, बेचारे ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। कैसे कैसे खत्म हुई है, क्या ठंड की वजह से क्या स्थिति थी इनकी? स्थिति तो बहुत ही खराब है। भीख मांग लिया तो गांव से वो बेचारे जे खात अपने बाल बच्चन का गुजर बसर ऐसे कर। ग्रामीणों की माने तो बरसाती लाल के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही खस्ता हाल है। बीवी इधर उधर से भीख मांग कर लाती थी तो परिवार को 2 जून की रोटी मैसर हो पाती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिस्ट में नाम तो आया मगर छोटे साहब की जेब गर्म नहीं हुई तो इनके आशियाने की फाइल भी दफ्तर में दबकर रह गई। कोई योजना ना इनके पास से कोई नहीं आया अभी तक। लेकिन सरकार तो गरीबों की बात करती है। करती तो है लेकिन इनकी बात नहीं करती, कभी देखा ही नहीं इधर मुड़कर नहीं। वीडियो साहब भी आए लेकिन इधर मुड़कर नहीं देखा। तो किस तरीके इनकी आगे मदद होगी? हम मदद देखो कैसे हो, भगवान करी से हुई, अब क्या करो जाए। बहरहाल बरसाती लाल मिश्रा की मौत के बाद अब साहब परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की भी बात कह रहे हैं। छोटे साहब को मौके पर भी भेजा गया है जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के लिए भी लिखा जा रहा है परिवार को, जो भी आर्थिक सहायता बन पड़ेगी क्योंकि वो नहीं रहे तो उनकी पत्नी को वृद्धा पेंशन के लिए तत्काल और तौर पर बनाया जा रहा है कि उनको पेंशन समय से मिल सके। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस परिवार के दामन पर चिपका बदनसीबी का ये दाग साहब के वायदे से धुलेगा या फिर जुमलों की सरकार में इनके भी वायदे धरे के धरे रह जाएंगे। मगर सवाल ये है कि आखिर इस देश की तस्वीर कब बदलेगी, आखिरकार देश में कब बेमौत मरने वालों की संख्या कम होगी। सवाल आपसे भी है सरकार, क्या यही है आपके आधुनिक भारत की असल तस्वीर? शाहजहांपुर से समाचार टुडे के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट।